उत्तर प्रदेश में एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया है जिसने कई सवाल खड़े किए, लेकिन उससे पहले आप जरा उत्तर प्रदेश के इस नक्शे पर गौर करिए। इस नक्शे पर जो पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं वो है गोरखपुर। गोरखपुर कौन सी जगह है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला, और यहां पर किडनैपिंग की इस वारदात को जब अंजाम दिया गया, बच्चे की हत्या कर दी गई, तो सवाल आज ये उठ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराधियों को या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना होगा या फिर उनका हिसाब होगा, तो ऐसे में उनके ही गृह जिले में जो हुआ है, इससे आगे की तस्वीर अब क्या होगी? माँ का रो रो कर बुरा हाल, मोबाइल में अपने बच्चे की तस्वीर देखते हुए बच्चा लौट आए इस उम्मीद में, लेकिन ये उम्मीद अब भला कहाँ पूरी होगी, क्योंकि बच्चा तो इस दुनिया में ही नहीं है। बहन की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ ही दिन में राखी का त्योहार, लेकिन अब तो वो कलाई भी नहीं जिस पर ये राखी बांध सकती है, और ऐसे में गम परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे को 10 बजे घर आया था, वो रहता है वो अपने दादी दादा के पास दुकान पे, वहाँ तक 12 बज के कुछ मिनट तक था। उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं। जब वो काल 3 बजे वो सब किए तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है, तो हम पूरे गांव में ढूंढे पहले, जो जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढ लिए, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। तब हम लोग उसी समय प्रशासन को इतला किया, 12 बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है, 3 बजे की मैडम से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की पनौती मांग रहा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे? इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार, मेरी आपका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं आपके पान की छोटी सी दुकान है। हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला, और जिसके उठाने के बाद उस बंदे से पूछताछ में जो है बाकी वो लोगों के भी नाम सामने आए, और उस दयानंद नाम के व्यक्ति की ही शिनाख्त में हमें जो है दयानंद ने शिनाख्त कराई कि फलानी जगह पर जो है उस बच्चे को हमने मार करके फेंका है। और प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले, उसी मिश्रौलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइच में, वहाँ के रहने वाले, इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में, और तो 5 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिस बात की जानकारी यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स भी दे रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि बेशक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी वारदातें हुई हैं किडनैपिंग की। गोरखपुर में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। कानपुर में लैब असिस्टेंट का अपहरण कर हत्या कर दी गई, हालांकि गोंडा में पुलिस ने सतर्कता दिखाई और 8 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया। गोरखपुर में बच्चे की मौत के मामले में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, सवाल उठाया और कहा कि हर दिन गुंडा राज के रिकॉर्ड बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब अपराधियों का और अपहरणकर्ताओं का प्रदेश बनता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी ना रहें, और रहेंगे तो उनकी जगह कहां होगी, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, लेकिन अपराधी तो उत्तर प्रदेश तो नहीं छोड़े सर, वो गोरखपुर में पहुंच गए। गोरखपुर में आपके गृह जनपद उन्होंने बच्चों का अगवा कर लिया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पे बच्चे की हत्या कर दी। इससे ज्यादा चैलेंज की बात है और क्या हो सकती है? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जहाँ हर तीसरे चौथे दिन आना जाना होता है मुख्यमंत्री का, वहाँ पिपराइच में एक पान व्यवसायी के लड़के का अपहरण होता है और उसकी हत्या हो जाती है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? पूरी तरह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मर गई है। अब इस सरकार को बने रहने का
कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता।